गाइस अभी इधर हम सोच रहे हैं ये वाली नियॉन लाइट इसके बीच में लगा दें लाइट के। तो गाइस अभी हम लाइटें वगैरह लेने हैं यहाँ पर, अगर और लगवानी है तो। ये पिंक लाइट लगवा दी है इस बार हमने। तो हेलो गाइस, तो गाइस देखिए इधर हमारा स्कूटर लग गया है। अभी हम आपको बताते हैं कहाँ पर आए हैं। पहले टाइम चेक करिए, 5 बजे। गाइस हम फिर से लाइटें लगवाने आ गए हैं यहाँ शॉप के ऊपर, जहाँ से पहले लगवाई थी ना, क्योंकि जैसे काम वगैरह करवाया उसके बाद पेंट वगैरह तो लाइटें वगैरह खुल गई थी, तो अभी दोबारा लाइटें लगाना है। ये तो मैंने घर पर फिट कर दी थी गाइस, यहाँ पर ये मैट मेरा छेद हो गया। ये नीचे कर दी गाइस, पहले यहाँ पर थी ना इसके नीचे, इस बार हमने यहाँ पर कर दी है। तो अभी देख लीजिए इसकी भी यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड कर दी है। बाकी लाइटें इसमें डिग्गी में वो तो चिपकने वाली हैं, ये इस लिफाफे में, और वो है नियॉन एक पड़ी हुई, देखते हैं अगर कहीं लगवानी है, एक तो सीट का अपडेट करवाना है ये देखिए। तो बाकी अभी हम आ गए हैं शॉप के ऊपर, तो करवाएंगे काम, अभी चेक कर लीजिए हैं। वैसे इधर काम स्टार्ट होने वाला है, इधर देख लीजिए। अभी इधर पहले भी यहाँ पर थी बैटरी, भी शायद कहीं पड़ी होगी, अच्छा चार्ज करने के लिए लगाई है। अभी देख लीजिए खाली अंदर, ये पहले वाला सारा सामान ही खोल दिया, वायरिंग भी नहीं लगी, वायरिंग भी खोल दी। चार्जर ऐसे बिच ठीक है, चार्जर भी क्या, बाकी लाइटा लुटा भी। तो ये पुराना सामान है, ये भी दोबारा फिट कर देंगे। देख लीजिए बाकी गाइस यहाँ पर यामा का भी काम है, तो देख लीजिए कितने यामा खड़े, 1, 2, 3 खड़े हुए हैं देखिए। बाकी अपने इधर स्कूटर लग गया है। हेलो, ये वाली लाइट नहीं ऑन इसके अंदर है, पहले वाली वो नहीं हमने निकाली थी, दूसरी ये है। इसे भी देखेंगे अगर कहीं अच्छी लग जाए, अच्छे तरीके से लग जाए ना, तो अभी फिर जैसे काम चल रहा है अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी इधर हम सोच रहे हैं ये वाली नियॉन लाइट इसके बीच में लगा दें लाइट के, क्योंकि इसके बीच में आउटलाइनिंग से अच्छी लगेगी, अगर लग जाए तो ये नियॉन लाइट बड़ी है। बोल रहे हैं फिर देखते हैं कैसी लगती है, लगा कर देखेंगे, बाकी चलेगी तो बाद में जब बैटरी लग जाएगी। अंदर ऐसा कुछ है कपड़ा या भी, अब किसी काम बताया गया इतनी पूरा। अच्छा, तो गाइस अब इसमें लगा कर देखते हैं, ये टांके जब भी निकल गए भी। हाँ आओ देखिए अंदर मिट्टी बहुत हो गई, ठीक लगूंगी नहीं लगूंगी, कितना लाइए यार इन ठीक लगूंगी। मैं पता क्या सोचा, मैं सोचा थले ला दें, अच्छी लगे तो यहाँ पर लगा देते हैं। बाकी उधर वायरिंग हो रही है, क्योंकि पहले बारी वायरिंग हमने सारी निकाल दी है, तो देख लीजिए। अरे वही वाली शॉप है, अगर आपने पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो पहले भी हमने जो लगाया था, अगर आपने कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, अगर आपको भी काम वगैरह करवाना है तो देख लीजिए। इधर खड़ा हुआ काफ़ी दिनों से गए ऐसी थी लाइटें वगैरह, तो अभी मैंने सोचा आज लगवा ही देते हैं। कितने दिन हो गए हैं, 10-12 दिन हो गए स्कूटर को पेंट हुए। अगर आपने स्कूटर को पेंट वाला ब्लॉग नहीं देखा तो वो भी चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। बाकी अभी तो हम दोबारा लाइटिंग वगैरह लगा रहे हैं, अभी इसके ऊपर लिखवा भी देंगे जो जो पहले लिखवाए थे, जैसे यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ था, यहाँ पर फोटो वगैरह जैसे भी बनी हुई थी, और मैं करवा नहीं रहा क्योंकि पेंट नया नया हुआ इसलिए। तो चलिए अभी आगे मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी हम घर को जा रहे हैं, हमारा थोड़ा सा एक लाइटें वगैरह और लेनी है, तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। मौसम चेक करिए कितना बड़ा बढ़िया हो रहा है, तो अभी आपको घर जाकर फिर मिलते हैं।
कर दो बंद। तो गाइस अभी हम लाइटें वगैरह लेने हैं यहाँ पर, अगर और लगवानी है तो। अंकल लाइटें ना खाए को बढ़िया जी स्कूटर पर बढ़िया लगे थल्ला लाने वास्ते, थल्ला थुल्ला मतलब छोटी मोटी कोई लाइट लवानी होगा। केड़ी दिखाओ मड़ी जी दिखाओ गाइस, काफी सारी लाइटें वगैरह सामान तो यहाँ पर पड़ा हुआ है। केड़ा ऊपर तीन छपरी लगना मैं चिट्टी ठीक लगूंगी, देख लो केड़ी ठीक लगनी लवा लो। ए अंकल हॉर्न हूरन भी है कोई अभी लाइटें वगैरह लेकर लगा कर ही जाएंगे क्योंकि अब और कोई काम नहीं है, बस लाइटें लगवानी है और वगैरह पड़ी हुई है अभी फिट कराते हैं। अंकल तो गाइस अभी फिट करवा कर फिर आपको मिलते हैं। तो गाइस देखिए इधर ये भी खोल दिया है यहाँ का भी, देखिए यहाँ पर पुरानी वायरिंग निकाल रहे उसी से सारे कनेक्शन हो रहे हैं। इधर हमारी बैटरी वगैरह भी डेड हो गई थी, इसे भी चार्ज करके हमने यहाँ पर लगा दिया है। थोड़ा सा तो काम हो गया है, थोड़ा सा ही रह गया अभी तो, चेक करिए। और मौसम भी आज बढ़िया हो रहा था, आज तो बादल वगैरह हैं, वैसे भी अभी तो जल्दी वो धूप हो जाती है, धूप क्यों रात हो जाती है 6 बजे, अभी मौसम चेक करिए अंधेरे से होने लगा है तो इधर चल रहा है काम। एक सीट कवर पूछेंगे आगे से, सीट कवर भी चेंज होना है, ये देखिए कैसा हो गया तो देख लीजिए इधर अभी कनेक्शन हो रहे हैं। ये हमें एक नई लाइटें लेकर आए हैं, पिंक कलर, ये पिंक बड़ी अच्छी लगी थी, हमने सोचा इस बार नीचे पिंक लगा दी, पहले वाइट लगाई थी वो ये पड़ी हुई है, तो इस बार हमने सोचा कि पिंक लाइटें लगा देते हैं, एक तो डिग्गी के नीचे दो बाकी उसके नीचे, तो पिंक है तो अच्छी लगी तो हमने सोचा पिंक लगवा देते हैं, देख लेंगे अगर पिंक नहीं अच्छी लगी तो हमारे पास वाइट भी पड़ी हुई दोबारा वो लगा देंगे भाई। तो चलिए जैसा भी होगा आपको अभी मिलते हैं फिर आगे। अभी यहाँ पर ये पिंक वाली लाइट लेकर आए हैं, वो चला कर देख रहे हैं कैसी लग रही है, देखिए इधर दोनों साइड के फ्लैशर जग गए हैं, बाकी पिंक लाइटें वो पड़ी हुई हैं वो भी अभी लगाएंगे, एक नहीं और ये पड़ी बीच में, अभी ये वाले जग गए हैं यहाँ पर, कहीं नीचे ठीक लगे आगे तो अच्छे नहीं लगते थे और लाइट भी इधर उधर जाती थी, लेकिन अब ठीक है यहाँ पर इधर नहीं और भी जग रही है। बाकी मौसम चेक करिए, अंधेरा भी हमें लग गया है, टाइम चेक कर लीजिए 6:30 से ऊपर हो गए हैं, अभी देखते हैं कैसी जगह लग रही है, ठीक है पहले वाइट लगाई थी अभी पिंक के लेकर आए, देखते हैं कैसी लगती है। केड़ी थी भाई सामने, ठीक है। तो गाइस ये अपना स्कूटर भी लुक चेक करिए गाइस कैसी आ रही है, ये फ्लैशर इस बार हमने नीचे लगवाए हैं यहाँ पे, और बाकी नियॉन पहले वाली है, और यहाँ पर देखिए गाइस चेक करिए पिंक लाइट लगवा दी है इस बार हमने पिंक लाइट्स, क्योंकि इस बार हमने सोचा पिंक लगा लेते हैं, अगर वो अच्छी नहीं लगी तो हमारे पास दूसरी भी पड़ी हुई है इसमें ये वाली, तो वो दोबारा लगा दें, लेकिन पिंक आज अच्छी लग रही है तो पिंक ही लग रहने देंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है स्कूटर हमारा, अच्छा लग रहा है तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे ही आपको गाइस अगर और वीडियो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब अगली वीडियो में।